गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज सुबह के बज चुके हैं 9:30। और गाइस आज मेरा फास्ट का दूसरा दिन है, मतलब 6th and 7th में रखने वाली, तो आज लास्ट है। और आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती तो मैं अपना फास्ट खोल रही हूँ। तो ये देखो, ये है बर्थ वाली चिप्स और ये है मेरी ग्लास में चाय। और पापा लेके आए थे, वैसे तो मैं मना करती हूँ, पर पापा ले आए थे लड्डू से, तो ये खाएंगे। ठीक है, तो कल वाला व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था क्योंकि आज मैं कंटिन्यू करने वाली थी। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि कल ना यार व्लॉग एंड करने का वो नहीं थी, जगह नहीं थी वहाँ पे, और कल इतनी ज़्यादा मैं टायर्ड, पता है कल गाइस बहुत कुछ हुआ। पर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैं सारी बातें करती हूँ। ठीक है, तो चलो पहले जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद सारी बातें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं गाइस। कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, मैंने कल कहा था ना कि मैं वीडियो 2 पार्ट्स में करूँगी, तो कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे जो एरिया था ना बहुत 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 ज़्यादा रश था। क्योंकि मैं अपनी बुक्स वगैरह कलेक्ट करके, मैं चांदनी चौक से, मैंने देखा ही होगा आप लोगों ने वीडियो में कल वाले लास्ट ब्लॉग में, कि मैं अपना लेकर ले ली थी बुक्स, मैंने 2 बुक्स अभी भी पेंडिंग है मेरी जो नहीं आई है। अब उनको देखेंगे कि लेने जाऊँगी या फिर ऑर्डर करके मंगाऊँगी, कुरियर करवा लूँगी, वो सब अभी देखेंगे। पर ये था मतलब कुछ सीन्स, ये मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा क्योंकि वहाँ बहुत 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 रश था और वहाँ पे भंडारा वगैरह भी हो रहा था ना। तो गाइस अभी वो बेल बजा दी थी किसी ने, शायद कोई आया होगा तो वो है। और गाइस मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई इसलिए मैंने थोड़े थोड़े दिखा दिया, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले वाले व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा वो देख लेना मेरा चांदनी चौक का जो व्लॉग था, ठीक है, उसमें देख लेना, तो वही सेम सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा क्या दिखाना, वो आपको थोड़ा सा जो वीडियो मैंने बनाई थी ना वो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई थोड़ा सा मैंने शूट किया, मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा। तो बस यही था, और आज तो मेरा फास्ट है, तो बस इतना हैक्टिक डे था कल, इतना हैक्टिक डे था, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कितना हैक्टिक डे था, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं फास्ट रखती हूँ बहुत, मतलब मैं डिवोटी क्या कहूँगा, डिवोटी तो गलत सेंस में चला जाएगा, मतलब गलत सेंस इन द सेंस, मतलब ये कि कोई सोचेगा मैं कितनी बड़ी भक्तन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ, मैं मतलब मानती हूँ सारे रिचुअल्स मैं फॉलो कर लेती हूँ, ठीक है। और कल हम गए थे, आपने देखा ही होगा, गुरुद्वारा भी घूमे हम लोग, ठीक है, उसके बाद बुक्स भी ली हमने। और भाई मैं फेंट हो गई थी गाइस, सीरियसली फेंट हो गई, क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता था मेरी तबीयत ख़राब है, ऊपर से मेरा फास्ट था, और कल मैं इतनी घूमी हूँ, इतनी चल चलाती हुई धूप में घूमी हूँ, तो और ज़्यादा मेरे को ऐसी फीलिंग आने लगी। और उसके बाद जब हम घर आ रहे थे ना, क्योंकि वहाँ बस नहीं मिली, 2 घंटे हमने वेट किया, 2 घंटे वेट करने के बाद भी वहाँ कोई भी बस नहीं थी गाइस, कोई भी एक भी बस नहीं थी वहाँ पर। और उसके बाद फिर मैंने वो बस सॉरी किसी और बस से हम लोग आए, और उसके बाद जब मैं उतरने वाली थी ना, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, पीरागढ़ी फ्लाईओवर पे, तो मैं पीरागढ़ी फ्लाईओवर पे उतरने वाली थी जस्ट, और वहीं मैं फेंट हो गई। मैंने अपनी बुआ जी को बोला, मैं बुआ में चक्कर आ रहा, मैं भाई बैठ गई फुटपाथ पे, बैठ गई लिटरली गाइस, मतलब फुटपाथ पे बैठ गई, और मेरे को होश ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद मेरे फूफा जी पानी भरवा के लेकर आए, फिर उस ठंडे पानी से मैंने अपना मुँह धोया, उसके बाद फिर मैंने पानी पिया, क्योंकि भाई कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि आप मर जाओ, ठीक है, फास्ट रखो लेकिन अच्छे सच्चे मन से, ठीक है, भूखे रहने से या ये कड़ी प्रतीक्षा दिखाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मेरा मानना तो ये है, बाकी का मुझे नहीं पता क्या मानना है। जब तक आपका मन सच्चा नहीं होगा ना, आपको कोई भी व्रत कर लो, आप कहीं भी मंदिर मस्जिद जहाँ जाना है ना वहाँ चले जाओ, ठीक है, कोई भगवान नहीं सुन सकता जब तक आपके मन में सच्चाई नहीं। अगर आपका मन ही साफ नहीं, क्योंकि भगवान मंदिर मस्जिद और क्या कहते हैं उसको, गुरुद्वारे वगैरह में नहीं बसते यार, भगवान आपके दिल में बसते हैं। जब आपका दिल ही साफ नहीं होगा तो कौन सा भगवान क्या कर लेगा, हाँ। और भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पे तुम इतना चढ़ाओ या मेरे लिए तुम ये करो। इसकी जगह आप जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो बच्चे हैं, मतलब जो लोग हैं, जो मतलब इतने जिनको नीड होती है पैसों की, आप उनको तो नहीं देना चाहते हो, ठीक है, पैसे छोड़ो, पैसे तो गलत चीज़ हो जाती है देने, चलो मत दो, एटलीस्ट खाने का ही सामान दे दो। उन पैसों को, जितना पैसा आप भगवान पे चढ़ाते हो, उन पैसों को आप खाने का दे दो। अब भाई हमारे मंदिर में हम पैसे इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उस मंदिर के सारे पैसे कलेक्ट करके एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजन किया जाता है, जो पैसे कम लग जाते हैं तो गाँव में से जो भी मतलब ठीक ठाक लोग हैं, ठीक है,
तो वो पैसे मिला देते हैं और अच्छा खासा भंडारा क्रिएट हो जाता है। भंडारे में तो सभी खा लेते हैं, गाँव वाले भी खा लेते हैं, और जिनको जो भूखे लोग होते हैं, जो नहीं खा पाते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, वो भी आके खा लेते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे पैसे चढ़ाते हैं। अदरवाइज आप ये बताओ, मतलब जब आपके सामने कोई भूखा इंसान है, कोई भूखा बच्चा है, अगर वो आपके सामने कह रहा है ये दे दो वो दे दो, आपको उसको, कल जैसे कि मेरे सामने आए थे, पर वो तो ना पैसे मांग रहे थे, वो खाना नहीं, वो पैसे मांग रहे थे, और गुरुद्वारे के सामने बैठे थे। जब गुरुद्वारे में लंगर लगा होता है तो आप किसी को मना ही नहीं है गाइस, गुरुद्वारे में जाकर आप खाना खा सकते हो, कोई भी हो, वह कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। खाना खाने के लिए कोई भी धर्म नहीं मना करता। तो वो वहाँ जाके नहीं खा रहे, वो बाहर जाके भीख मांग रहे, तो उनको भीख मांगने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खैर ये तो बात सारी ये हुई, और भाई कल मेरी हालत इतनी गंदी हो गई थी गाइस, लिटरली मतलब मैं बता नहीं सकती, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कितने फास्ट मैंने रखे हैं, मैं कितनी जगह पे गई हूँ, मैं कभी भी फेंट नहीं हुई जब से मैंने बाहर आना जाना अकेले स्टार्ट किया 11th क्लास से लेके, और आज मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ गाइस। आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कितने भी फास्ट में रही हूँ, मैं बिल्कुल भी कभी भी ऐसे वीक नहीं पड़ी। पता नहीं कल कैसे मैं वीक पड़ गया, आई डोंट नो, शायद मेरी तबीयत पहले से ख़राब थी इस वजह से हुआ हो, या शायद कुछ भी हो सकता है गाइस, वो कोई बात नहीं, जो करते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जी करवाते हैं सब कुछ, ठीक है, इसमें भी क्या पता मेरी अच्छाई रही हो भाई क्या ही अच्छाई रही होगी, बट फिर भी हम तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लिखते हैं, हम तो किसी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लिखते, ठीक है। तो बस यही गाइस, आज लंच तो होगा नहीं क्योंकि आज मेरा फास्ट है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में फ्रूट्स वगैरह मम्मी काट देंगी तो खा लूँगी, नहीं कटेंगी तो नहीं खाऊंगी, आलसी भी तो हूँ बहुत। और हमारे रिलेटिव्स आज जा चुके हैं, ठीक है, बुआ वगैरह सब चले गए हैं, ठीक है, उनको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उनको पसंद नहीं है वीडियो व्लॉग्स में आना, तो फिर मैंने उनको नहीं शूट किया, ठीक है, तो इसलिए अब वो जा चुके हैं, ठीक है, और ठीक है गाइज, अब जाना तो था ही, है ना, तो बस वो लोग जा चुके हैं। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी यार, एक चीज़ मुझे एक चीज़ कहनी है आप सबसे गाइज, हर फास्ट, हर कुछ भी कर रहे हो आप, फास्ट रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एटलीस्ट अपने सच्चे मन से रखो, तो आपको किसी भी मतलब मंदिर मस्जिद में जाके आपको पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए, ठीक है, तो आप प्रसाद चढ़ाना ना चढ़ाना कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, फिर भी हम चढ़ाते हैं अपनी मान्यताओं के हिसाब से, मान्यताओं को करना भी चाहिए गाइस, ऐसा नहीं कह रही कि मैं नहीं करना चाहिए मान्यताओं को, सब मान्यताओं को फॉलो करना चाहिए, पर आपका मन सच्चा हो तब, ठीक है, मन सच्चा रखना, मन सच्चा रखोगे तो यार आपको ऐसा लगेगा ठीक है यार, चढ़ा भी देंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई कभी कभी हो जाता है, हम भूल जाते हैं, नहीं पता हमें कहीं, जैसे कि हमें बंगला साइड में प्रसाद वगैरह चढ़ता होगा तो मुझे नहीं पता कि वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ता है या नहीं चढ़ता, बट मुझे काफ़ी भूल लगा भाई तू तीन तीन चार चढ़वा रही है, भाई हमने नहीं चढ़ाया वहाँ प्रसाद, मुझे नहीं पता कि किस साइड से प्रसाद मिलता है, किस साइड से, जिस साइड से मैं जाती हूँ मैं उस साइड से मैंने बता दिया, ठीक है, तो क्या बोलूँ मैं, खैर खैर कोई बात नहीं गाइस, इतना तो चलता है, और ठीक है, तब मैं यही बोलूँगी, जब भी फास्ट रखो अपना केयर, अपनी केयर सबसे ज़रूरी है, जब आप ही ठीक नहीं होगे तो आप कैसे फास्ट रख लोगे गाइस, राइट, तो पहले अपनी केयर करो, ठीक है, अच्छे से फास्ट रखो, सच्चे मन से रखो, और पॉजिटिविटी और सबके लिए अच्छा सोचो, किसी के लिए भी नेगेटिव, ठीक है, गुस्सा है थोड़ी बहुत, गुस्सा आता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, पर फिर भी अपने मन में ऐसी कोई कल्प्रिट मत रहो कि भाई मन में कुछ और सामने कुछ और, ऐसा मत करो, अपना पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सबके लिए सोचो तो आपके साथ भी पॉजिटिव होगा, जैसे ही आपकी थिंकिंग होगी वैसे ही आपके साथ चीज़ें होंगी, ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगता है। ओके आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और ऐसे ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, तभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।